तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है टोयोटा हाई राइडर। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे कि इस पे आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो चले गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले जो इसका पूरा फ्रंट का लुक है वो आप लोग देख सकते हो, जो इसका सुजुकी का जो ग्रैंड विटारा है उससे काफ़ी मिलता जुलता लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बस यहाँ पे जो आपको ग्रिल है उसका और टोयोटा का जो लोगो है उस पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाती है। बाकी जो यहाँ पे DRL वगैरह हो गया या फिर हेडलाइट सभी कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे आपको टोयोटा का जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसकी पूरा साइड लुक आप लोग देख सकते हो, और इसकी जो मेन हाईलाइट है इस बार जो है हाइब्रिड, और यहाँ पे आपको 27.97 का KMPL कंपनी क्लेम करती है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बैटरी और इंजन दोनों में ही ये गाड़ी चल सकती है। तो इसका जो पूरा एक ओवरऑल लुक है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ORVM पे भी आपको जो है कैमरे की पोजीशनिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की ओर। तो इसकी जो पूरी रियर की लुक है वो आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ से। तो अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ। तो बूट को कर लेते हैं ओपन, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी पैक देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तो बूट स्पेस पे कम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत तो आपको जो है कम्प्रोमाइज़ आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है 27 का माइलेज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की ओर। तो इसकी जो रियर की सीट की लुक है वो आप लोग चेक कर सकते हो। 3 हेडरेस्ट के साथ आपको बीच पे आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाती है, और जो है आपको तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो आपको ऑफर की जाती है। तो मैं अंदर बैठ के आपको इसके कंफर्ट चेक करवा देता हूँ। तो मेरा हाइट है 6 फीट, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे स्पेस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया नी रूम थाई सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो है सनरूफ भी देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है। तो अब जाते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को कर लेते हैं ऑन। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो गाड़ी हो चुका है ऑन। तो यहाँ पे आपको गाड़ी ऑन हो चुका है। आप लोग इसकी जो स्टेयरिंग की लुक है वो आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे मीडिया कंट्रोल, यहाँ पे आपको सारे क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड, कॉल करने का या फिर डिसकनेक्ट करने का बटन आपको देखने को मिल जाती है। और यह है इसका 360 कैमरा का जो पूरा व्यू है वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आपको जिस भी पोजिशन में आपको चाहिए होता है तो वहाँ पर आप लोग ऐसे पॉज करके आप लोग इसका व्यू ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करके इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाती है। और यह है इसका AC जो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको USB 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे आपको USB भी देखने को मिल जाती है। और यह है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसका लुक आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको EV मोड और ड्राइव मोड आपको दोनों ही आपको देखने को मिल जाती है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको दोनों ही जो सामने की सीट है ना वो आपको वेंटिलेशन के साथ ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे आपको जो है वेंटिलेशन सीट्स की जो फंक्शनिंग है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाती है, आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ी बहुत स्पेस, और बाकी यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM। लेकिन जो इसका सनरूफ का जो मटेरियल है वो यार बहुत ही पतला है, मतलब जब आप धूप में निकलोगे ना तो अंदर का जो पूरा गाड़ी है वो गर्म हो जाएगा। तो इसको एक बार मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये एक डिसअपॉइंटिंग बात रहेगी क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है जो मटेरियल है। बाकी इसका सनरूफ का लुक आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक अच्छी बात ये है कि इसकी जो पीछे की रूफ है वो भी अंदर घुस जाता है, तो आपको एक वाइड ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप लोग आराम से यहाँ से खड़े होकर मज़े ले सकते हो। तो ऐसा इसका पूरा लुक है। तो इसको कर लेते हैं बंद, तो इसका लुक भी आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी ऐसा है इसका लुक, और इसकी जो सनसेट है उसको भी हम लोग यहाँ पे लाते हैं। लेकिन AC को थोड़ा एफर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला कपड़ा है ना वो देख सकते हो पूरा एकदम चीप सा मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है टोयोटा वालों ने। तो ऐसा कुछ है इसका पूरा लुक। बाकी टोयोटा हाइडर में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में आपको जरूर से पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।